सो हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे एक चैनल पर आई हुई है। जो कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, वो उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम YouTube की वीडियो डाउनलोड करें और मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई है। फर्स्ट आती है जो होती है वार्निंग स्ट्राइक। अब हम दोस्तों इसे एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल बेसिक से, मैंने नॉलेज ली क्यों आती है, क्या है, सारी रीज़न पता किए, तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। और अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो लाइक कर दो, कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें मिली है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब की तरफ से। इसमें सो फर्स्ट लिखा है वार्निंग, इसमें बोल रहे हैं कि योर कंटेंट वाज रिमूव ड्यू टू वायोलेशन ऑफ अवर कम्युनिटी गाइडलाइन। हमने वायोलेट किया था यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कैसे करें, ये वाला वीडियो बनाया था जो कि नहीं बनाना चाहिए था। आपने अगर बनाया कभी तो उसे डिलीट कर देना, ठीक है, वरना कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। आप बोल रहे हैं बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम योर अकाउंट इज़ नॉट अफेक्टेड। बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैंने वार्निंग स्ट्राइक दी है, आपका अकाउंट इससे कोई भी अफेक्टेड नहीं पड़ेगा, कोई ना व्यूज़ कम होंगे ना कुछ होगा, सिर्फ वार्निंग दी है। यू आर ओनली वार्न, बोल रहे हैं कि यू आर ओनली वार्न किया है सिर्फ वंस, एंड ये बोल रहे हैं कि दिस वार्निंग विल रिमेन ऑन योर चैनल, मतलब कि ये वार्निंग स्ट्राइक मेरे चैनल पर बनी रहेगी, ठीक है, जब तक मेरा चैनल रहेगा यूट्यूब पर तब तक ये वार्निंग स्ट्राइक रहेगी। अब नेक्स्ट में लिखा है कि इफ़ दिस हैपन्स अगैन, अगर ये फिर से होता है तो क्या, बोल रहे हैं योर चैनल विल गेट ए कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, यू विल नॉट बी एबल टू डू थिंग्स लाइक अपलोड पोस्ट और लाइव स्ट्रीम फॉर 1 वीक। अब 1 वीक के लिए लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाओगे, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाओगे। और नीचे जो लिखा है वो देखिए आप, कंटेंट रिमूव्ड, इफ़ यू थिंक वी मेड अ मिस्टेक यू कैन अपील द दिस डिस्कस। बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है, इफ़ यू थिंक, अगर आपको सोचते हैं कि वी मेड अ मिस्टेक, हमसे गलती हुई, मतलब कि यूट्यूब की तरफ से गलती हुई, तो देन यू कैन अपील दिस डिसीज़न। अब इसमें अपील का डिसीज़न ले सकते हैं, आप अपील पर क्लिक करेंगे, अपील में अपनी बात कहेंगे कि मैंने कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन के स्ट्राइक्स के अगेंस्ट भी कोई वीडियो नहीं बनाया है, अपील कर सकते हैं। वार्निंग ऑन अप्रैल 15 को आई थी, एंड यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा है कंटेंट डिलीटेड बाय द यूज़र, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था वो मैंने डिलीट भी कर दिया। पर आपको याद रखना है कि तुरंत जैसी आती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तो तुरंत डिलीट नहीं करना है, डिलीट कर देंगे तो उसके बाद कभी भी नहीं हटेगी। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तब भी लगी रहेगी, तो कभी डिलीट नहीं करना है, पहले अपील करना है। अपील करने के बाद यूट्यूब का मेल आ जाएगा तो उसमें वो बोलेंगे नहीं, आपने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के अगेंस्ट ही वीडियो बनाया था इसलिए आपको ये कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग स्ट्राइक मिली है, ठीक है। तो ये था, ऐसी हमारे पास आई है, ऐसी आपको मिल भी सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती कब है, ये कोई ऑनर नहीं देता है, जैसे कि मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वो यूट्यूब ही देता है, जैसे कि अगर यूट्यूब की आपने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, उसके अगेंस्ट वर्क किया, उसके अगेंस्ट वीडियो बनाए जो कि गाइडलाइन दी हुई हैं, उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हो, दी हुई हैं उसके बाद भी तुम वीडियो बना रहे हो, तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है। वो कब आती है इसका कोई भी पता नहीं है। जैसे कि मैंने यूट्यूब वीडियो कैसे डाउनलोड कराऊँ, 1 महीने पहले बनाया था ये वीडियो मैंने, और मेरे पास अब कम्युनिटी गाइडलाइन आई है, मतलब कि 1 महीने बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी आइडिया नहीं, जब यूट्यूब देख लेगा तुम्हारे वीडियो को तब उससे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देगा। तो आपको गाइडलाइन पता होनी चाहिए कि गाइडलाइन है क्या क्या क्या। तो हम फर्स्ट गाइडलाइन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट तो दोस्तों मेरी यही है कि यूट्यूब की वीडियो कैसे डाउनलोड करें। अगर आपने इस पर वीडियो बना रखी तो उसे तुरंत परमानेंटली डिलीट कर दें, नहीं तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके पास आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। सेकंड है दोस्तों कि अगर हमने सिमिलर कंटेंट बनाया है, मतलब कि जैसे कि मेरा ये चैनल है टेक्निकल भारद्वाज जी, और आपने क्या किया, मेरे नाम से ही सेम चैनल बना लिया टेक्निकल भारद्वाज जी, और मेरी प्रोफाइल फ़ोटो उठा के अपनी प्रोफाइल में लगा दी, सारी डिटेल मेरी जैसी भर दी, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी सब कुछ मेरा सेम बना दिया, ठीक है। लेकिन यूट्यूब तो स्मार्ट है, उसे पता है कि मैंने पहले अपना चैनल क्रिएट किया अपने नाम से और आपने बाद में क्रिएट किया, जो मैं वीडियो डालता हूँ वो आप कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर देते हो, कुछ अपना कंटेंट डाल देते हो, तो यूट्यूब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि आप मेरा नाम चोरी कर रहे हैं। और मैं भी भेज सकता हूँ उनको कि एक ऐसा ये बंदा है और ये मेरे नाम से चला रहा है और इसने सेम मेरे चैनल की आईडी प्रूफ सब चुरा लिया है,
सारी डिटेल ले ली है और ये वहाँ पर अपने चैनल पर बना रहा है वीडियो, उसमें मतलब कि सेम कंटेंट डाल रहे हो तुम, मेरा वीडियो उठाया वही अपलोड कर दिया, तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक तो दे सकता हूँ, साथ में यूट्यूब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकता है। तो सेम कंटेंट मत लो किसी का, सेम प्रोफाइल की फीड फोटो मत उठाओ, सेम नेम के चैनल मत बनाओ, बिल्कुल सेम उसी के जैसे। हाँ अगर जैसे कि आप हो, आप टेक्निकल भारद्वाज जी चैनल बनाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फ़ोटो भी आप लगा देते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि हर चीज़ जैसे कि मैंने वीडियो बनाया वही आपने कॉपी किया डाल दिया, तो ये आप फेक है, ये फेक कर रहे हो। और आपने प्रोफाइल फ़ोटो भी अपनी नहीं लगा रखी, अगर मेरी लगा रखी है, जैसे कि लोगो लगा रखा है तो भी आपको मिल सकती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, क्योंकि लोगो तो पहले मैंने बनाया था ना। सेम लोगो लगा रखा है तो मिल सकता है, अगर डिफरेंट लगा रखा है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका भी नाम, अगर आप भारद्वाज हो तो आप भी बना सकते हो टेक्निकल भारद्वाज जी चैनल, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने मेरे सेम लोगो तुमने उठा के चिपका दिया तो हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि सेम कंटेंट बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। मतलब जैसे कि ये वीडियो है, आपने यही वीडियो उठाया, अपनी कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, तो आपको मैं तो स्ट्राइक दूंगा, क्या कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा, लेकिन जो यूट्यूब है वो आपको गाइडलाइन स्ट्राइक देंगे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सेकंड तो हमारी हो गई, चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अगर दोस्तों आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं, वो भी ऐसे वेबसाइट के लिंक जो अडल्ट वेबसाइट है, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। तुम आप ऐसे लिंक नहीं डाल सकते जो कि अडल्ट हैं या जो कि जिसमें कि वायरस हो सकता है कि ऐसे बहुत सी वेबसाइट हैं यार, तो ऐसी यूज़ मत करो, स्पैम मत करो बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप देखो एक और मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बता दूँ, आपने डिस्क्रिप्शन में अगर ऐसे टैक्स डाले जिसमें कॉमा कॉमा लगा रखे हैं बार बार, एक टैक्स डाला फिर कॉमा फिर कॉमा फिर कॉमा, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर दोस्तों आप स्पैम कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, मिसलीड टैग्स डाल रहे हो जो कि आपकी वीडियो से रिलेटेड टैग्स नहीं है, थंबनेल पर कुछ अलग लिख रहे हो, जो वीडियो ओपन करने के बाद कुछ अलग मिल रहा है, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो ऐसे मिसलीड मत करो, तो अगर आप ऐसे मिसलीड करेंगे तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन मिलेगी, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के अगेंस्ट है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कभी भी हमें मिसलीड नहीं करना है, राइट। तो ये हो गई हमारी, और हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर दोस्तों आप फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देते हो, जैसे कि आपने मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक दी वो भी फेक, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है, क्योंकि आप यूट्यूब का टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपने मुझे फेक स्ट्राइक दी, मेरे चैनल पर स्ट्राइक दी और मैंने अपील की कि दिस इज़ द फेक स्ट्राइक, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है, क्योंकि आप ऐसे फेक स्ट्राइक किसी को नहीं दे सकते। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं अपनी वीडियो में, जैसे कि स्पॉन्सरशिप मिलती है हमें और हम स्पॉन्सरशिप करते हैं उस एप्लीकेशन की, तो वो अगर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, देन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है आपके पास। और जैसे कि वो ऐप हो गया गैम्बलिंग से रिलेटेड, या बहुत से अडल्ट ऐप हो गए, ऐसे अगर ऐप का आप रिव्यू कर देते हो अपने चैनल पर, बता देते हो, और कभी भी YouTube अगर देख लेता है, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर दोस्तों आप थंबनेल में कुछ वायोलेशन कर रहे हैं, लाइक आप क्या कर रहे हो कि सेक्सुअल फ़ोटो लगा रहे हो जो कि नहीं लगानी चाहिए आपको, क्योंकि आप ये फ़ोटोज़ लगाते हो आपके चैनल पर व्यूज़ आएँ, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक। अगर आप अपने वीडियो में दोस्तों हेट स्पीच देते हो, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे हेट स्पीच नहीं दे सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, हम अगर हम सुसाइड के ऊपर वीडियो बनाते हैं, या कुछ ऐसा गैस सिलेंडर हो गया ये फट रहा है, ये ऐसे कुछ ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के स्ट्राइक के अगेंस्ट हैं, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नाउ अब आप देख सकते हैं कि COVID-19 चल रहा है, और COVID-19 के ऊपर आप र्यूमर्स फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि अगर आप ऐसे र्यूमर्स फैलाएंगे तो ये एक नई पॉलिसी ऐड हुई है कोविड-19 की। अगर आप ऐसे फैलाते हैं, जैसे कि आप बताएंगे कि ये इंजेक्शन लगाओ और वो इंजेक्शन के बारे में आप खुद नहीं जानते हैं, तो ये र्यूमर्स हो गया। तो आप ऐसे नहीं फैला सकते, आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है, क्योंकि ये अगेंस्ट होता है हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। यदि आप दोस्तों इलीगल प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाते हो, जैसे कि ड्रग्स हो गए या ऐसी लीगल चीज़ें हो गई, उनके ऊपर वीडियो आप बना रहे हो, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो आपको ये नहीं बनाने चाहिए। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तब हमें क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, जब हमारे पास फर्स्ट टाइम स्ट्राइक आती है वो होती है वार्निंग स्ट्राइक, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे चैनल पर लाइफ टाइम रहती है। लेकिन एक और आपको बात बता दूं, अगर आपने गाइडलाइन को फॉलो किया है, उस वीडियो में ऐसी कोई भी चीज़ आपने नहीं बताई है, जैसे कि मैंने ये रीज़न बताया आपको, कोई रीज़न के लिए आपके वीडियो नहीं डिजर्व करता है, आपका वीडियो सही बना हुआ है जिसमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, तो आप अपील कीजिए। अपील कर सकते हैं, अपील का ऑप्शन होता है, वहाँ पर हम अपील करते हैं तो यूट्यूब देखता है कि हाँ आपने फॉलो किए हैं सारी गाइडलाइन, तो आपकी जो वार्निंग स्ट्राइक आई है उसे हटा देता है। ठीक है, अपील का ऑप्शन होता है। सेकेंड दोस्तों, हमारे पास एक फिर से अगर वो आती है हमारे पास कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो वो होती है फर्स्ट स्ट्राइक। वार्निंग स्ट्राइक के बाद जो आती है वो होती है फर्स्ट स्ट्राइक, जो 90 डेज के लिए होती है, जहां पर आपको 1 वीक के लिए वीडियो अपलोड करने के लिए मना कर दिया जाएगा या लाइव स्ट्रीम आप नहीं कर सकते हो, तो ऐसी स्ट्राइक आ जाती है। ठीक है, अगर इन 90 डेज के अंदर आपके पास दूसरी स्ट्राइक भी आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। उसके बाद इन 90 डेज के अंदर ही आपके पास तीसरी भी स्ट्राइक आ जाती है, तो समझ लीजिए आपका चैनल गया, मतलब कि टर्मिनेट कर देता है YouTube, क्योंकि सबसे पहले YouTube ने आपको वार्निंग स्ट्राइक दी, फिर आपको पास एक और स्ट्राइक दी जिसमें आपको बताया गया कि अब आप 90 डेज तक कोई भी ऐसा उल्लंघन मत करना हमारी गाइडलाइन का, जिससे कि हमें फिर से देनी पड़े। आपने फिर से किया तो आपको फिर से मिलेगी, फिर से किया फिर से मिलेगी, 3 बार देने के बाद 4थी बार वो आपको स्ट्राइक नहीं देगा, आपका चैनल टर्मिनेट कर देगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है और इसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करना बहुत सिंपल है, वीडियो देखो, अगर वीडियो आपने सारी चीज़ें फॉलो की हैं तो उसे रिमूव कीजिए। तो रीज़न जो मैंने बताया वो नोट डाउन कर लेना, समझ लेना अच्छे से, जिससे कि आपको कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।